जी आज का टॉपिक है वेक्टर्स। सेवेंथ चैप्टर है। वेक्टर्स दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक है स्केलर्स और एक है वेक्टर्स। स्केलर्स कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसमें दैट पोजेसेस ओनली मैग्नीट्यूड, कैन बी स्पेसिफाइड बाय अ नंबर अलोंग विद अ यूनिट। मतलब स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है, साथ उसके एक यूनिट होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप लेंथ बताते हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर्स, इसी तरह आप लोग जो है और कौन सी टाइम बता देते हैं, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। कि मतलब एक मैग्नीट्यूड हो और साथ एक यूनिट हो तो ये स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या ज़रूरी है? दैट पोजेसेस ओनली मैग्नीट्यूड। और ठीक है, मैं वेक्टर्स कौन सी हैं? वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। दैट पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नहीं, स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, मुझे नहीं पता इसको कैसे ठीक करना। ठीक है, वेक्टर दैट पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसके बाद पेज नंबर 325 है आपकी बुक का, उसमें आपकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपने याद करनी है। मैग्नीट्यूड और लेंथ और नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इज रिटन बाय, ठीक है, मैग्नीट्यूड और लेंथ और नॉर्म, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है, मैग्नीट्यूड लेंथ और नॉर्म। और ये क्या होता है? इट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेक्टर ए बी एंड इज़ रिटन बाय, यानी ए बी अगर एक वेक्टर है तो ये एक वेक्टर है, राइट? तो अगर हम इसका नॉर्म या लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। इसको मैग्नीट्यूड पढ़ते भी मैग्नीट्यूड है, दो स्ट्रेट लाइंस हैं इसके इर्द गिर्द, इसको पढ़ते भी मैग्नीट्यूड है। ए बी का मैग्नीट्यूड, राइट? अ यूनिट वेक्टर कैसा वेक्टर है?
यूनिट वेक्टर ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस याद कर लीजिएगा, आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 325 पे। यूनिट वेक्टर कैसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है यूजुअली, मतलब अगर एक वी है आपके पास तो यूनिट वेक्टर है वी, तो हम उसे सॉरी तो इस तरह से इसके ऊपर कैप डाल देते हैं, या ए बी भी अगर वेक्टर है तो इस तरह से जो कैप डल जाती है वो यूनिट वेक्टर को यूजुअली रिप्रेजेंट करती है। और यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। वेक्टर क्वांटिटी अभी मैंने आपको बताया कि वो एक जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, वेक्टर यूजुअली ये स्ट्रेट लाइन सॉरी ये है वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, इसकी जो लेंथ होती है ना इस लाइन की वो इसका मैग्नीट्यूड है और साथ इसकी डायरेक्शन भी होती है। इसको इसका इनिशियल पॉइंट कहते हैं, इसको इसका टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। अगर कोई वेक्टर आपका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पर आ जाए, एक ही पॉइंट पर आ जाए, तो इसका मतलब वो वेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसको हम क्या कहते हैं, कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो है, विच इज़ कॉल्ड ज़ीरो और नल वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर कैसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो, यानी उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो है वो एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे आ जाए। टू वेक्टर्स आर सेट टू बी नेगेटिव इफ ईच ऑफ अदर If they have some magnitude but opposite direction, same magnitude. दो vectors को हम opposite कब कहते हैं, two vectors को negative of each other कब कहते हैं, जब वो उनका magnitude तो same हो लेकिन उनकी direction जो है वो different हो, opposite direction में हो, बिल्कुल opposite direction में, like अब अगर ये v वेक्टर है तो ये वाला माइनस v होगा, राइट, और उसे माइनस के साथ रिप्रेजेंट, माइनस का साइन साथ लगा के नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अब यहाँ पर माइनस का मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू नेगेटिव है, इसका माइनस रिप्रेजेंट करता है कि उसकी डायरेक्शन ओपोजिट है। अगर एक एक डायरेक्शन हम बात कर रहे हैं तो जो माइनस वेक्टर आ जाएगा उसकी डायरेक्शन उन वेक्टर से की ओपोजिट डायरेक्शन होगी। इक्वल वेक्टर्स पेज नंबर 326, equal vectors, two vectors A, B and C, D are said to be equal if they have the same magnitude and same direction. यानि दोनों चीज़ें same होंगी तभी हम उसको equal vector कहेंगे. Parallel vectors, two vectors are parallel if and only if they are non-zero scalar multiple of each other. Scalar multiple जी multiplication vectors में कैसी होती है, दो तरह की होती है scalar multiplication. यानी अगर v है तो दूसरा वेक्टर 2v हो जाए, 3v हो जाए, तो हम उन्हें पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के दो रूल्स हैं, दो लॉज के हेल्प से हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं. एक ट्राइंगल लॉ है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, एक है पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जो है इट वॉज फर्स्ट यूज बाय अरिस्तू to describe the combined action of two forces. उसके बाद definition है एक page number 328 पे, the set of all ordered pairs x y of real numbers together with the rules of addition and scalar multiplication is called the set of vectors in R2.
द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई ऑफ रियल नंबर्स टूगेदर विद द रूल्स ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड द सेट ऑफ वैक्टर्स इन आर टू. मतलब जो पॉइंट्स हैं एक्स वाई, पॉइंट्स हम लिखते हैं ना ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, अगर इन पॉइंट्स पे टुगेदर विद द रूल ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, इन सारे पॉइंट्स के सेट को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ वैक्टर्स इन आर टू. द वैक्टर एक्स वाई इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स नॉट अ पॉइंट एक्स वाई इन द प्लेन. राइट, जब ये एक्स वाई आ जाता है तो ये पॉइंट नहीं होता, ये क्या होता है, वैक्टर है इन द प्लेन. ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको अच्छे से याद कर लेना है आपने. नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इन स्केलर मल्टीप्लीकेशन इफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन. चले ये साथ साथ आपको करवाते जाऊंगी प्रॉपर्टीज भी. अभी आ जाते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज 7.1. जी एक्सरसाइज 7.1, पहले स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चंस देख लें हम लोग. एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 है पेज नंबर 331 पे. एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट. ये मैं कल के लेक्चर में आपको ये क्वेश्चंस जो है वो नोट करवा दूंगी. आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कर लेते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं. ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे. एक्स आई प्लस वाई जे, ये आई और जे जो है ये डायरेक्शंस बता रहे हैं कि जो एक्स है वो आई की डायरेक्शन में है, जो वाई है जो वो जे की डायरेक्शन में है. ठीक है, ये आई जे जो होते हैं ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं. खैर, इन आपने पी क्यू को जो आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, पी इज इक्वल टू 2, 3, क्यू इज इक्वल टू 6 माइनस 2, ये आपको गिवन है. आपने इसे एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में लिखना है. पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी इज इक्वल टू 6 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3. राइट, 6 माइनस 2, यहाँ पर एक मिस्टेक है, इसको ठीक करें. यहाँ पर ये कॉमा आना है और यहाँ पर ये माइनस टू आना है. ठीक है, माइनस टू और माइनस थ्री, सॉरी ये ठीक है, यहाँ पर माइनस टू और माइनस थ्री आप लोगों ने डालना है, जैसे कि नीचे डला हुआ है. 6 माइनस 2 कॉमा माइनस 2 माइनस 3, 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 4i-5j आंसर है. मतलब पी क्यू दो आपके पास है वेक्टर्स, आपने सॉरी राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई एक्स आई प्लस वाई जे. पी एक पॉइंट है, क्यू एक पॉइंट है, ये वेक्टर है पी क्यू, आपके पास एक वेक्टर है. पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी. ओ क्या है, ओरिजिन, मतलब पी एक पॉइंट है, हम ओरिजिन से उस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं और उस वेक्टर को हम लिखेंगे ओ पी वेक्टर. इसी तरह ओ से क्यू तक
यानी ओरिजिन जो 0 0 पॉइंट होता है उसको क्यू से ज्वाइन करके हम एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, उसे लिखेंगे ओ क्यू, या सिंपली पी क्यू जब आपने निकालना है आपने क्या करना है, क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देना है पी के एक्स कोऑर्डिनेट से, यानी 6 -2 आ जाएगा, -2 -3 आ जाएगा, और इसको इस तरह से लिख के 4i -5j, या इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है पी क्यू इज इक्वल टू 6 -2i + -2 -3j, और ये इस तरह से आपने लिख लेना है। इसी तरह दूसरा पार्ट भी है, सेम इन्हीं लाइंस पे आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 0 5 हैं दो पॉइंट्स, एक 0 5 है, एक है -1 और -6, जिसके एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनको माइनस कर देना है, आई उसके साथ लगेगा, प्लस -6 -5 के साथ जे लगेगा, और ये आपका आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी डेफिनेशंस, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन और स्मार्ट सिलेबस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी।